आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। ओलची की लिपि होल बेसी के बैनर तले अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बुलाए गए झारखंड बंद का ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। जमशेदपुर के करंडी सुंदरनगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह से ही बंद समर्थक पारंपरिक परिधान में वो पारंपरिक हथियार लिए सड़क पर उतर गए हैं और जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। संथाली भाषा को प्रथम राज्य भाषा का दर्जा देने, संथाली शिक्षकों की बहाली करने, संथाली एकेडमी का गठन करने, संथाली भाषा की पुस्तकों को ऑल चीकी लिप भाषा में विमोचन करने जैसे विभिन्न मुख्य मांगों को लेकर ऑल चीकी लिपि होल बेसी के बैनर तले बंद समर्थक पूरे पारंपरिक परिधान के साथ सड़क पर उतर कर राज्य सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करते नजर आए। सुबह से ही जमशेदपुर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। दोपहिया वाहनों से लेकर बड़ी वाहनों तक का परिचालन पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया। जानकारी देते हुए बंद का नेतृत्व कर रहे छात्र नेता संजीव मुर्मू ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा उनकी अनदेखी की जा रही है। राज्य सरकार को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि अपनी मांगों को पूरा कर लिया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आज सड़क पर उतरकर वो सभी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। माल के साथ साथ ओलची की हुई वैसी के द्वारा संपूर्ण झारखंड को बंद किया गया है। बंद विभिन्न मांगों को लेकर के क्या प्रथम जो मांग है जो संथाली भाषा है वो झारखंड का राजभाषा होना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में साफ साफ लिखा गया है कि जो भी भाषाएं हैं वहाँ के उस प्रदेश के वहाँ की एक से अधिक भाषाओं को प्रथम राजभाषा बनाया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य आज झारखंड में नहीं बना। संथाली जो भाषा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 में साफ उल्लेख किया गया है कि मातृभाषा से पठन पठन होना चाहिए। यहाँ झारखंड की जो मूल भाषा है उन भाषाओं को दरकिनार करके स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ का भाषा है संथाली भाषा खास करके देखा जाए उसका पठन पाठन आज भी नहीं हुआ है। तो समझिए यहाँ कितने दुर्भाग्य है कि यहाँ जिसके ज़्यादा संख्या में जो रहने वाले लोग हैं, झारखंड में आदिवासी बहुल जो राज्य है, आज वहाँ पे यहाँ की जो भाषा है उनको पठन पाठन में छोड़ दिया गया, उसको दरकिनार किया गया, उसी चीज़ को लेकर संपूर्ण झारखंड को बंद किया गया। साथ ही संथाली भाषा का अकेडमी का गठन झारखंड में होना चाहिए। इन सभी मुद्दों को लेकर के रेल मार्ग के साथ साथ सड़क मार्ग और जो भी दुकानें हैं सारी चीज़ों को बंद किया गया है। सिर्फ आवश्यक जो चीज़ें हैं उनको जाने दिया जा रहा है, सब कुछ को बंद कर दिया गया है और उन्हीं को लेकर के सब कुछ झारखंड आ चुका को छोड़ करके सारी चीज़ों को बंद किया गया है। कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इस बंदी पे कोई असर नहीं पड़ता था, आगे आप लोग क्या करेंगे? सरकार को पहले भी अल्टीमेटम दिया गया था 27 तारीख तक जो भी संथाली जो भाषा है उसका जो पुस्तक जो प्रकाशन होगा ओलची लिपि में उसका प्रकाशन होना चाहिए और जो भी मांगों को लेकर के उसको अल्टीमेटम 27 तारीख तक कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने मांग पूरा नहीं किया। आज एक दिवस या 24 घंटे का बंद है, अगर इस बात को सरकार नहीं मानती तो आने वाले निश्चितकालीन पूरा बंद किया जाएगा। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।